दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जब भी मुझे कोई नोटिफिकेशन आता है तो एक एनिमेशन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और अगर आप भी आपके मोबाइल में एक अमेजिंग सा एनिमेशन नोटिफिकेशन सेट करना चाहते हो तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी आपके मोबाइल में एक एनिमेशन नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, और ये वाला जो ट्रिक है ये सारे मोबाइल में जो है ये यूज़ कर सकते हो। और मैं ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आता रहेगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, तो जिसका नाम है कॉमिटिन। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप सिंपली सर्च कर सकते हो कॉमिटिन, COMETIN। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका लोगो जो है वो आपको देखने को ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको जो है सिंपली इंस्टॉल कर देना है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं पूरा डेमो दिखाऊंगा, वर्किंग डेमो दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है, पूरा वर्किंग डेमो दिखाऊंगा लाइव में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो है हमारा एप्लीकेशन जो वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इंस्टॉल हो गया है। और इंस्टॉल करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है और कैसे हमें जो है एनिमेशन नोटिफिकेशन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही एप्लीकेशन जो है वो ओपन होने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे टोर देखने को मिल जाएगा जो कि इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली इसे टैप करके पढ़ सकते हो या तो फिर आप सिंपली जो है इसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमारे एक ही गोल है जहाँ पे हम जो है एम्बिएंट डिस्प्ले एनिमेशन नोटिफिकेशन जो है वो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही सारे ओके करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली मैनेज मॉड्यूल दिख रहा होगा, आपको सिंपली जो है इस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको मॉड्यूल मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपली गेट मॉड्यूल्स पे टैप कर देना है। जैसे ही गेट मॉड्यूल्स पे टैप करेंगे यहाँ पे कई सारे देखने को मिल जाएगा और कई सारे मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएगा। मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, बस एक कई सारे फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एम्बिएंट डिस्प्ले का दिख रहा होगा, ये वाला एम्बिएंट डिस्प्ले को आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो या फिर आप जो है सिंपली जो है यहाँ डाउनलोड सिंबल दिख रहा होगा उसको आपको टैप करके जो है इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही इंस्टॉल पे करेंगे ये जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम उसमें जाएंगे और कई सारे परमिशंस देने के बाद ओपन कर लेंगे और हम जो है सेट कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ओपन मॉड्यूल मैनेजर यहाँ पे हमें आ गया है, जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे ओपन मॉड्यूल मैनेजर बता रहे हैं। तो आपको सिंपली जो ओपन मॉड्यूल मैनेजर पर टैप कर देना है। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है एम्बिएंट डिस्प्ले जो कि हमारा फीचर है वो यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे एनेबल पे टैप कर देना है। तो जैसे ही एनेबल कर देंगे यहाँ पे ऑरेंज का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे टैप हो जाएगा, ऑरेंज कलर में सिंपल दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेटिंग्स पे टैप कर देना है। सेटिंग्स पे टैप करके यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन का एक्सेस परमिशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन को जो है उसको सेलेक्ट करके आपको सिंपली जो है नोटिफिकेशन परमिशन अलाउ कर देना है। तो जैसे ही अलाउ कर देंगे आपको सिंपली बैक आ जाना है और बैक आने के बाद जो है हम वापस जो मॉड्यूल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली बैक चले जाता हूँ। यहाँ पे बैक जाने के बाद अब यहाँ पे जो है आपको एम्बिएंट डिस्प्ले जो दिख रहा है वो टैप पे आपको सिंपली टैप कर देना है। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है आपको एक पॉपअप आ जाएगा, आपको यहाँ पे सिंपली जो है कीप एनेबल्ड पे टिक कर देना है, यानी टैप कर देना है। तो जैसे ही कीप एनेबल पे टैप कर देंगे यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन का पॉपअप आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सिंपली आप इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ पे आपको रेड कलर में फिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली फिक्स पे कर देना है और यहाँ पे एक छोटा सा परमिशन फिर से आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आपको वरी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली गूगल प्ले से हम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे परमिशन देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे फिर से आपको कीप एनेबल पे टैप कर देना है। तो जैसे ही कीप एनेबल पे टैप कर देंगे यहाँ पे हमें जो है लास्ट का ऑप्शन जो है न्यू नोटिफिकेशन, इसको आपको हमें ऑन करना है। आप ड्रॉप डाउन टैप करके आप जो है इसको पढ़ सकते हो या तो फिर आप सिंपली जो है इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली ऑन कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमने ऑन कर दिया और यहाँ पे आपको नीचे ओपन ओपन डिज़ाइनर दिखा रहा है, तो आपको सिंपली ओपन डिज़ाइनर पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नोटिफिकेशन जो वो यहाँ पे ऑन कर दिया, हमने फीचर को ऑन कर दिया। और जैसे ओपन डिज़ाइनर कर देंगे यहाँ पे हमें जो भी नोटिफिकेशन का जो भी डिज़ाइंस है वो सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन एनिमेशन चाहिए वो सारे एनिमेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें सिंपली सेलेक्ट कर देना और उसके बाद गुड टू गो। हमारे हमें जब भी नोटिफिकेशन आता है लॉक स्क्रीन में ऐसा एनिमेशन नोटिफिकेशन जो है हमें देखने को मिल जाएगा। अभी मैं ये फर्स्ट ऑल ये वाला जो एप्लीकेशन है ये वाला जो नोटिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ करके क्लोज कर देता हूँ और हम चेक करते हैं कि कैसे ये अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो कैसे ये काम करता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने
मेरे फ़ोन को जो है लॉक कर दिया, और यहाँ पे मेरे फ़ोन में अभी चार्जिंग हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे चार्जिंग स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज कर लेता हूँ, मैं दूसरे नंबर से जो है मेरे फ़ोन पे जो है व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देता हूँ और देखते हैं कि हमें जो है नोटिफिकेशन कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप से दूसरे नंबर से मैसेज कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है एनिमेशन नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है और व्हाट्सएप का लोगो भी यहाँ में जो है हमें देखने को मिल गया है। तो ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करके जो है आप आराम से जो है एनिमेशन नोटिफिकेशन कर सकते हो, जहाँ पे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको एनिमेशन नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप जो है काफ़ी सारे चेंज कर सकते हो, जो भी एनिमेशन चाहिए वो वाले एनिमेशंस को जो है वो आप इसे आराम से इंस्टॉल करके जो है यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम जो है अभी दूसरा नोटिफिकेशन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ये वाला एप्लीकेशन जो है ये वाला जो नोटिफिकेशन है दूसरा नोटिफिकेशन का एनिमेशन जो है वो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करके ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला नोटिफिकेशन को यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस जो है हम लॉक करके देखते हैं कि कैसे ये वाला नोटिफिकेशन जो है एनिमेशन नोटिफिकेशन जो है वो ये पे यहाँ पे कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीन को लॉक कर लिया और दूसरे नंबर से अभी मैं यहाँ पे मैसेज कर लेता हूँ और देखते हैं कि कैसे जो है हमें ये एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर से मैसेज कर दिया व्हाट्सएप में और यहाँ पे जो है हमें नोटिफिकेशन जो वो यहाँ पे देखने को मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन एनिमेशन जो वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे एनिमेशन छोटा सा देखने को मिल गया है। तो दोस्तों ऐसे करके जो है आपके मोबाइल में जो है नोटिफिकेशन एनिमेशन चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे और भी अमेजिंग नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको पसंद है वो वाला आप जो है इंस्टॉल करके जो है यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था कि कैसे जो है आप एनिमेशन नोटिफिकेशन कैसे आपको यूज़ करना है, और मैं ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।